पिछले वीडियो में राजस्थान के उच्चावच प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी तथा राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल है, जिसकी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राज्य में अरावली पर्वतों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। उसका पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है और यह संपूर्ण मरुस्थलीय भाग थार के मरुस्थल का ही भाग है, जो पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध और भावलपुर जिलों में सिंधु के मैदान से राजस्थान के पश्चिमी भाग, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा तक फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम में इस मरुस्थल का विस्तार गुजरात राज्य के साबरकांठा, उत्तरी काठियावाड़ और कच्छ के रण क्षेत्र में भी है। भारत में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राज्य के लगभग 1,96,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मरुस्थल फैला हुआ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 58% है। इस मरुस्थल की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमांत और पूर्वी सीमा अरावली पर्वत श्रृंखला बनाते हैं। जलवायु और वनस्पति की दृष्टि से राज्य के मरुस्थल के दो भाग हैं। पश्चिमोत्तर भाग को शुष्क मरुस्थल कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग को अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। इस क्षेत्र में संपूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तथा जोधपुर जिलों के पश्चिमी भाग शामिल हैं, जो कि शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र मेसोजोइक युग की शैलों से निर्मित है, जिस पर पवन निक्षेपित बालू के टीलों का विस्तार है। अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के बीच का भाग है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र को राजस्थान बांगड़ भी कहते हैं। यह एक सपाट मैदान है, जिसमें कई स्थानों पर अवनयन पाए जाते हैं, जिन्हें सर कहते हैं। उत्तरी भाग में शेखावाटी का मैदान, दक्षिणी भाग में लूणी का मैदान है। जिलेवार विस्तार की दृष्टि से यह अर्धशुष्क मरुस्थल गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जालौर जिलों के अलावा बीकानेर, जोधपुर जिले के पूर्वी भाग, पाली व अजमेर जिलों का उत्तरी भाग, जयपुर जिले का पश्चिमी भाग तथा अलवर जिले का उत्तरी भाग शामिल है। राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग 80% भाग में बालुई मिट्टी का जमाव है, इसलिए इसे अर्ग प्रकार का मरुस्थल कहते हैं। अधिकांशतः इस मिट्टी का निर्माण अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इस वायुड मिट्टी के कण बहुत मोटे हैं, जो जल को शीघ्र ही सोख लेते हैं, इसलिए मिट्टी की ऊपरी परत शीघ्र ही शुष्क हो जाती है और तीव्र गति की पवनों के साथ उड़कर स्थानांतरित होने लगती है। इसी कारण गर्मियों में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी पवनों के कारण धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिससे बालुई मिट्टी कुछ स्थानों पर रेत के टीलों के रूप में इकट्ठी हो जाती है और बहुधा उपजाऊ मिट्टी वाले खेतों को भी ढक लेती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली मिट्टी के बिछाव और रेत के टीले प्रचुरता से मिलते हैं,
इस प्रदेश में भूजल की गहराई 25 से 100 मीटर से अधिक है। संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश 50 से 300 मीटर ऊंचाई वाला भूभाग है, जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। केवल बाड़मेर और जालौर जिलों के दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस भाग में लूणी, जवाई और इनकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदी की घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का जमाव है, जिससे भूमिगत जल कम गहराई पर उपलब्ध है और कृषि अधिक होती है। इन दो मुख्य नदियों के अलावा संपूर्ण मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण नदी प्रवाहित नहीं होती। अधिकांश भाग में वर्षा का जल रेतीली मिट्टी और रेतीले टीलों में ही सूख जाता है। अधिक वर्षा होने पर छोटी बरसाती नदियां कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं और रेतीली मिट्टी में लुप्त हो जाती हैं। इसलिए इस प्रदेश को आंतरिक अपवाह क्षेत्र कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में छोटी छोटी पहाड़ियां व इंसलबर्ग भी चित्री हुई दशा में दिखाई देते हैं। बालुई मिट्टी के जमाव के बीच कुछ स्थानों पर निम्न ऊंचाई वाली पहाड़ियां ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हैं। इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग चपटे और चौरस हो गए हैं, इन्हें टोर भी कहते हैं। ये आकृतियां अपेक्षाकृत ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हैं। इनके अतिरिक्त टैफिनी गुहाकृतियाँ भी मिलती हैं, जो ग्रेनाइट युक्त रासायनिक अपरदित चट्टाने हैं। टैफोनी चट्टानों में अपरदन और अपक्षय की क्रियाएं दैनिक तापांतर और आर्द्रता की भिन्नता के कारण बनती हैं। जोधपुर के उत्तर में मंडोर से लेकर बड़ाबाड़ा तक 150 किलोमीटर लंबी पहाड़ी का विस्तार है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 410 मीटर है। इसी प्रकार जोधपुर के उत्तर पूर्व में आरतिया कला, भोपालगढ़ व सिरापा के समीप ऊंची पहाड़ियां हैं। बाड़मेर जो कि बाड़मेर में बालोतरा के दक्षिण पूर्व में बालवाड़ा, मोकलसर, कनखी आदि के पास छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, जिनकी अधिकतम ऊंचाई 743 से 975 मीटर है। मरु प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में पहाड़ियां नहीं पाई जाती, परंतु झुंझुनू, नागौर, सीकर और जालौर जिलों में ऊंचाई की एकाकी पहाड़ियां व इंसलबर्ग की अधिकता से मिलते हैं। मरु प्रदेश की सभी पहाड़ियां दिल्ली सुपर ग्रुप और विंध्यन ग्रुप की चट्टानों से बनी हैं। आइए अब इनके उप प्रदेशों के बारे में चर्चा करें। पहला प्रदेश है बालुई मिट्टी आच्छादित प्रदेश। शुष्क मरुस्थल में वृहद पैमाने पर बालू का प्रसार है। बालुयुक्त शुष्क मरुस्थलीय भाग थाल और कम बालू वाले क्षेत्र थाली के नाम से जाने जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला से पश्चिम की ओर दूरी बढ़ने के साथ बालू का प्रसार बढ़ता जाता है। अपवाद स्वरूप जैसलमेर, पोकरण वह मलानी चट्टानी थाल हैं। इस प्रदेश में बालुई मिट्टी के कटाव व बालू से निर्मित टीले विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। इन टीलों का जमाव पवन की दिशा के अनुकूल है, इसलिए अधिकांश टीलों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। रेतीले टीलों की आकृति वह उनके निक्षेपण के अनुसार उन्हें उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है बड़े अवरोधी टीले। यह टीले पहाड़ियों के ढालों पर मिलते हैं, जो मुख्यतः पहाड़ियों के पवनोन्मुखी दिशा पर पाए जाते हैं। तेज पवनों के साथ रेत के कण पहाड़ी बाधाओं को पार नहीं कर पाते और पवनोन्मुखी ढाल पर टीलों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, परंतु कहीं कहीं पर ये टीले
अर्धचंद्राकार रूप में भी मौजूद हैं। सामान्यतः इस क्षेत्र में टीले लंबाई में फैले हैं। ऐसे स्थायी बड़े अवरोधी टीले जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, नागौर आदि जिलों में रायोलाइट चट्टानों से बने इंसलबर्ग और पहाड़ियों के ढालों पर भी पाए जाते हैं। अधिकांशतः यह टीले 6 से 40 मीटर ऊंचे हैं, जिनमें 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर चुना पत्थर के कंकड़ों का जमा पाया जाता है। इनमें रेत के कणों का आकार 0.03 से 0.25 मिलीमीटर है। इन टीलों का ढाल 2 से 10 डिग्री के बीच होता है। दूसरे प्रकार के टीले हैं छोटे अवरोधी टीले। ये टीले आकार में 10 से 20 मीटर दूरी में ही फैले होते हैं और ये सामान्यतः छोटे अवरोधों जैसे वृक्ष, झाड़ी, मकान आदि के किनारे बन जाते हैं, इसलिए इन्हें शब कॉपिस टीले भी कहते हैं। इनकी आकृति चपटी और गोलाकार होती है। इस पर घास आदि ही उत्पन्न हो पाती है, बड़े वृक्ष उग नहीं पाते। रेतीली मिट्टी के कणों का आकार 0.2 से 0.8 मिलीमीटर तक होता है। यह अस्थायी टीले हैं जो तेज गति से चलने वाली पवनों के वेग से स्थानांतरित होते रहते हैं। इन टीलों की ऊंचाई भी अधिकतम ऊंचाई 2.5 मीटर तक देखी गई है। रेतीली मिट्टी के कुछ स्थानों पर 2 से 4 मीटर ऊंची रेतीली दीवार भी दिखाई देती है, जो अधिक जमाव के कारण बन जाती है। इन टीलों का औसत ढाल 1 से 2 डिग्री के बीच होता है। तीसरे प्रकार के टीले हैं वलयाकार या सनलिन टीले। इन टीलों का निर्माण होलोसीन युग के शुष्क काल में हुआ था। वलयाकार टीलों की लंबाई 2 से 6 किलोमीटर के बीच होती है और इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। इनकी आकृति वले की भांति या अंग्रेजी अक्षर यू के आकार में होती है, जिससे प्रतीत होता है कि दो लंबे टीले आपस में जुड़ गए हों। इन टीलों की पवनोन्मुखी दिशा पर रेत का भारी जमाव होता है और उनके ढाल बहुत तीव्र होते हैं। पवन विमुखी दिशा पर ये टीले अनुदैर्ध्य आकृति के होते हैं, जिन पर बालू मिट्टी का जमाव कम होता है। वलयाकार टीलों का पर होलोसीन युग के आद्य चरणों में वनस्पति उगाई थी, इसलिए ये स्थायी टीले हैं, जिनकी निचली परत पर महीन कणों वाली जलोढ़ मिट्टी का जमाव मिलता है। इन टीलों का ढाल 2 से 4 डिग्री तक है। मिट्टी में कैल्शियम यौगिकों की अधिकता है। इन टीलों पर हल चलाने और खेती करने से मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं, जो अपरदित होकर अन्य स्थानों पर इकट्ठे हो जाते हैं। वलयाकार टीलों का जमाव की सामान्य दिशा उत्तर पूर्व में 41 से 45 डिग्री कोण पर है, जो सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा है। ऐसे रेत के टीले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर जिलों में हवा की दिशा के समानांतर पाए जाते हैं। लॉन्जिट्यूडनल रेतीले टीले, यह लंबे रेत के टीले एक दूसरे के समानांतर विस्तृत दशा में फैले दिखाई देते हैं। इनका निर्माण प्रचलित पवनों की दिशा में होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन टीलों की रचना वलयाकार टीलों के प्रतिपवनीय भाग में रेतीली मिट्टी के पवन द्वारा अपरदन से हुई है। होलोसीन युग के प्रथम चरण में इस प्रकार के रेतीले टीले स्थायी हो गए थे और इन पर वनस्पति का स्थायी आच्छादन हो गया था। आजकल भी इन टीलों पर फोग, बबूल, खेजड़ी
कैर, बेर आदि के वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं और वर्षा ऋतु में भरपूर घास का उत्पादन होता है। औसतन 91 से 150 पेड़ पौधे प्रति हेक्टेयर पाए जाते हैं। इन टीलों की ऊपरी परत पर मोटे कण वाली रेतीली मिट्टी का बिछाव है, परंतु निचली परतों में महीन कांप मिट्टी पाई जाती है जो इन टीलों को स्थायी बनाती है। इनमें कैल्शियम लवणों का जमाव अधिक पाया जाता है। इनकी मिट्टी का सूचकांक 7.9 से 8.8 तक पाया जाता है, जो अत्यधिक क्षारीयता का प्रमाण है। इस प्रकार के अनुदैर्ध्य रेतीले टीले का जमाव मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिलों में है। फलोदी और ओसिया के बीच के में स्थित ऐसे टीलों पर सर्वाधिक वनस्पति देखी गई है। यहाँ पेड़ पौधों का औसत घनत्व 413 प्रति हेक्टेयर है। यहाँ की वनस्पति में मुख्यतः बेर, जाल, खेजड़ी, रोएड़ा, आकड़ा आदि के वृक्ष और झाड़ियाँ मिलती हैं। आजकल जनवृद्धि अधिक होने के कारण कहीं कहीं इन टीलों के ढालों पर कृषि की जाने लगी है, परंतु यह क्रिया अपरदन को बढ़ाती है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। अगले टीले हैं अनुप्रस्थ रेतीले टीले। अनुप्रस्थ रेतीले टीलों का जमाव प्रचलित पवन की प्रतिरोधी दिशा में पाया जाता है। ये टीले प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, इसलिए इनकी निर्माण की क्रिया को समझना कठिन है। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इनका निर्माण रेतीली मिट्टी आर्द्र युगों में अधिक वर्षा और आर्द्रता और बाद के युगों में शुष्कता के कारण वनस्पति में कमी के कारण हुआ है। इन टीलों का स्थायीकरण होलोसीन भूगर्भिक युग के आद्र चरणों में ही हो गया था। इनमें ढीली मोटी कणों वाली मिट्टी का जमाव 2 से 3 मीटर तक पाया जाता है, जो इनकी शुष्कता को प्रदर्शित करती है। इन टीलों का पुनः सक्रिय होकर अस्थायी बन जाना संभव है, इसलिए इन टीलों पर स्थायी वनस्पति लगाने के सघन प्रयास किए जा रहे हैं। अनुपस्थ रेतीले टीलों का मुख्य जमाव जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में, बीकानेर जिले के पोंगल क्षेत्र में अधिक है। ये टीले 1 किलोमीटर लंबे और 5 से 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके ढाल तीव्र होते हैं, जिसकी प्रवणता 12 डिग्री से 22 डिग्री के बीच मापी गई है। इन टीलों की चौड़ाई 150 से 750 मीटर तक है, जो अन्य प्रकार के टीलों से कहीं अधिक है। इनमें रेत के कणों की मोटाई 0.3 से 18 मिलीमीटर तक है, जो अन्य टीलों की तुलना में कम है। इनकी मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट लवणों की अधिकता पाई जाती है। अगले टीले हैं बरखान प्रकार के टीले। यह अर्धचंद्राकार आकृति वाले रेत के टीले जैसलमेर के पश्चिमी भाग, जो कि सम क्षेत्र है, जोधपुर, बीकानेर के पुंगल, बिरसलपुर थाल, चूरू, दक्षिणी हनुमानगढ़ जिलों में मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति कठोर चट्टानी भागों पर होती है, जहां पवन अधिकांशतः एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। वनस्पतिहीन इन टीलों के नतोदर ढाल तीव्र और लंबी पूंछ की आकृति वाले भागों पर मंद ढाल होता है। नतोदर भाग में पवनें गोलाकार रूप में घूमती रहती हैं और इस ढाल को तीव्र बना देती हैं। मिट्टी के कणों का आकार 0.12 से 0.16 मिलीमीटर तक होता है। मिट्टी में आर्द्रता बहुत कम होने से मिट्टी के कण ढीले पड़े रहते हैं और तीव्र पवनों के साथ शीघ्र ही परिवहित हो जाते हैं। सामान्यतः एक क्षेत्र में 15 से 20 बरखान टीलों का एक साथ जमाव देखा गया है।
प्रत्येक टीला लगभग 250 से 350 मीटर लंबा होता है। इन टीलों की मिट्टी में कैल्शियम यौगिक कम होते हैं, परंतु अन्य यौगिकों की अधिकता के कारण इनकी मिट्टी का पीएच मान 7.4 से 8.8 तक पाया गया है। इन टीलों पर खेती करने से पर्यावरण को हानि होती है, अतः इन्हें घास झाड़ियाँ उगाकर स्थायी टीले बनाना आवश्यक है। जैसलमेर नगर से 40 किलोमीटर पश्चिम में सम क्षेत्र में बरखान टीलों का विशाल जमाव है, इसीलिए यह क्षेत्र सैलानियों के पर्यटन का मुख्य केंद्र है। मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा प्रदेश है बालू मुक्त चट्टानी प्रदेश, सैंडलेस रॉकी रीजन। देखिए मानचित्र में देखिए कि जैसलमेर जिला मुख्यालय के लगभग 64 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र में बालू का पत्थरयुक्त चट्टानी थाल है। यह जैसलमेर जिला मुख्यालय के उत्तर पश्चिम में सोनू से पूर्व में पोकरण तक फैला हुआ है। जैसलमेर नगर के उत्तर में 16 से 20 किलोमीटर लंबी चौड़ी एक पथरीली पट्टी का विस्तार है, जिसकी ऊंचाई 61 से 107 मीटर है। यहाँ की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीका मिट्टी, कॉन्ग्लोमरेट, सिल्ट, कोयला और शैल की बहुलता है। इन शैलों का निर्माण जूरेसिक, क्रिटेशियस और ईओसीन भूगर्भिक युगों में हुआ था। जैसलमेर नगर के पूर्व और पश्चिम में ये चट्टानें धरातल से उभरी हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिन पर बालू का जमाव नहीं है। ऐसा अनुमान है कि इस क्षेत्र पर ईओसीन मायोसीन युग में अरब सागरीय जल का विस्तार था, जो बाद में दक्षिण में कच्छ के खाड़ी की ओर सरक गया। इसके तट पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विस्तार था, जो आज कुछ जीवाश्मों के रूप में दिखाई देते हैं। इस बालू का मुक्त प्रदेश में 80 से 20 फीट लंबे वृक्षों के जीवाश्म पाए गए हैं। आकल जीवाश्म पार्क में 10 करोड़ वर्ष पुराने ये निम्न जुरेसिक युगीन वृक्षों के जिम्नोस्पर्मिक जीवाश्म मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त इस संपूर्ण प्रदेश में शंख, सीप, केकड़े आदि के जीवाश्म भी मिलते हैं, जिससे विदित होता है कि यहाँ कभी सागरीय जल का अतिक्रमण हुआ था और यह प्रदेश उस सागर का नीतल है। तीसरा उपप्रदेश है लूणी और जवाई का मैदान। मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में लूणी, जवाई और इसकी सहायक नदियों का मैदान है, जिसका विस्तार पाली, बाड़मेर और जालौर जिलों में फैला हुआ है। देखिए मानचित्र में अरावली पर्वतों की दिशा के समानांतर पश्चिम की ओर अजमेर से लेकर सिरोही के उत्तरी भाग तक जो पतीय भाग है, उससे अनेक जलधाराएं निकलकर पश्चिम बाद में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ क्वार्टरनरी युग में जलवायविक परिवर्तन व विवर्तनिक हलचल होती रही। आद्र और शुष्क अपरदन चक्र के क्रम बदल बदल कर आने से यहाँ जलोढ़ और वायुड प्रक्रम जनित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यह मैदान 5 से 10 मीटर मोटी मृतिका व सिल्ट से बना हुआ है। भिन्न भिन्न गहराइयों पर कॉन्ग्लोमरेट का जमाव भी पाया जाता है। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व यहाँ लूणी और उसकी सहायक नदियों में पर्याप्त जल प्रवाहित होता था। बाद में शुष्क युग आया, परिणाम स्वरूप अपवाह तंत्र निष्क्रिय हो गया और नदी नाले बालू से ढक गए। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पुनः आद्र युग आया और नदी नालों में प्रचुर जल प्रवाहित होने लगा। इससे शुष्क काल में बने बालू का स्तूप स्थायी हो गए।
लगभग 3800 वर्ष पूर्व वर्तमान शुष्क युग की शुरुआत हुई। इससे लूणी में जल का प्रवाह कम होने लगा और बालू का वृहद पैमाने पर प्रसार हुआ, जो आज भी निरंतर जारी है। अरावली पर्वतों के पश्चिमी ढाल के समानांतर लगभग 50-60 किलोमीटर चौड़ाई में नाग पहाड़ से दक्षिण पश्चिम में आबू पर्वत व एरनपुरा पहाड़ियों के बीच फैला पर्वतीय मैदान गोदवार के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। मैदान का मध्यवर्ती भाग अपेक्षाकृत सकड़ा है। लूणी और उसकी सहायक नदियां यहाँ शीर्ष अपरदन करके मैदान का विस्तार पदीय भाग में करती हैं। यहाँ वृहद पैमाने पर अब नालिकाकरण हुआ है। गोदवार मैदान से सटा हुआ लूणी का मैदान है। लूणी अपने ऊपरी मैदान में गोविंदगढ़ जिला अजमेर से पाली गांव तक चौड़े पाट में बहती है और दोनों किनारों पर वृहद अपरदन करती है। बिलाड़ा तक लूणी अपने पुरातन अफवाह मार्ग में प्रवाहित होती है। यहाँ चूनायुक्त चट्टानों के कारण नदी सकरे मार्ग में बहती है। मध्यवर्ती भाग में लूणी में सहायक नदियों का जल प्राप्त होता है और अत्यधिक वर्षा के दौरान जल तटबंध तोड़ता हुआ विशाल क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे नवीन काप मिट्टी का निरंतर जमाव होता रहता है। बालोत्रा से लूणी का जल खारा होने लगता है और यहाँ नदी बुकाजी के से गंदव गांव तक गहरी घाटी में प्रवाहित होती है। बाढ़ के दौरान लूणी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिसे यहाँ जल का रेड़ा कहते हैं। राज्य सीमा तक विस्तृत इस बाढ़ निर्मित मैदान को नायदा कहते हैं, जिसमें रबी और की अच्छी फसल होती है। लूणी का डेल्टा राज्य का सबसे निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस मैदानी भाग में कहीं कहीं उच्च भूमियां और निम्न ऊंचाई वाली पहाड़ियां मौजूद हैं। पाली जालोर सीमा पर छानोद उच्च भूमि का विस्तार लगभग 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आबू पर्वत व जसवंतपुरा की पहाड़ियों के बीच धनुषाकार आकृति में सिरोही उच्च भूमि अरावली शैलों से आवृत है, जिसके उत्तरी शीर्ष से खारी और दक्षिणी शीर्ष से सीपू नदी का उद्गम होता है। इसी उच्च भूमि पर रेवदर और अनादरा कस्बे बसे हुए हैं। जालौर जिले की दक्षिणी सीमा पर रानीवाड़ा उच्च भूमि का विस्तार लगभग 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ रायोलाइट निर्मित पहाड़ियों व इंसलबर्ग के शिखर नुकीले और आकृति त्रिभुजाकार है, जबकि ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों के शिखर गुंबदाकार हैं। इनका ढाल तीव्र है और सभी दिशाओं में छोटे छोटे नाले प्रवाहित होते हैं। पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल पर बालू का जमाव पाया जाता है। ऐसी दो समानांतर पहाड़ियाँ बालोत्रा के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 20-30 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो सिवाना पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। अन्य मुख्य पहाड़ियों में मोकलसर, थापन, राखी, थान मुख्य हैं। दक्षिण में अपेक्षाकृत ऊंचे पर्वत छप्पन के पहाड़ कहलाता है। चौथा उप प्रदेश है शेखावाटी का मैदान। राज्य का उत्तर पूर्वी भाग में शेखावाटी का मैदान है, जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा जिसकी पूर्वी सीमा बनाती है। इसमें झुंझुनू, सीकर, चूरू व नागौर जिले का उत्तरी भाग शामिल है। इस प्रदेश में अधिकांशतः रेतीली मिट्टी का जमाव है। अधिकांश स्थानों पर रेत के टीले पाए जाते हैं, जिन पर घास, झाड़ियाँ व छोटे छोटे पेड़ों की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। इस प्रदेश में झुंझुनू और सीकर जिलों में अरावली पर्वतों की श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं। इस प्रदेश में बालसन व प्लाया झीलें हैं। लूणी के मैदान के उत्तर में सांबर झील,
नागौर, अजमेर और जयपुर की सीमा पर लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली खारे पानी की झील है। यह एक छिछला अभयारण्य है जो पश्चिम की ओर की पहाड़ियों और उत्तर व उत्तर पूर्व में बालुकवा स्तूपों से आवृत होने के कारण आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस कारण यह झील बॉलसन का एक उदाहरण है। अन्य छोटे अभयारण्य कुचामन, डीडवाना, खाटू, सूरजगढ़ आदि में हैं, जिनकी सतह छोटी होने से वे प्लाया झीलें कहलाती हैं। चूरू जिले का संपूर्ण भाग सीकर जिले के फतेहपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और लोसल के समीप तथा झुंझुनू जिले में नवलगढ़, मुकंदगढ़, चिड़ावा, पिलानी और अलसीसर के पास रेतीली मिट्टी और टीलों का अधिक जमाव दिखाई देता है। संपूर्ण प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी का जमाव है और भूमिगत जल अपेक्षाकृत कम जराई गहराई पर उपलब्ध था, किंतु अब यह जल नाम मात्र का रह गया है। इस प्रदेश में प्रतिचक्रवातीय दशाओं के उत्पन्न होने के कारण ठंडी पवनों का प्रसार अधिक तीव्रता से होता है। यही कारण है कि चूरू, पिलानी, झुंझुनू, सीकर आदि नगरों में तापमान काफ़ी नीचे रहता है और लंबे समय तक शीतलहर चलती है। पांचवा प्रदेश है घग्गर का बाढ़ग्रस्त मैदानी प्रदेश। राजस्थान के उत्तर में स्थित यह मैदानी प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह उपप्रदेश अन्य उपप्रदेशों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ प्राचीन काल से घग्गर नदी का प्रवाह रहा है, जिसने लंबी अवधि में जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया है। अतः यहाँ क्वार्टरनरी युग की जलोढ़ व नवीन हिलोस्वीन युग की बालुई मिट्टी का जमाव मिलता है। इस प्रदेश के कुछ भागों में तस्तरी आकार में निम्न भूभाग भी मिलते हैं, जिन्हें रोही कहा जाता है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध रोही रावतसर रोही, नोहर रोही हैं, जो हरी घास के मैदान हैं। सूरतगढ़, रावतसर और हनुमानगढ़ के कुछ भागों में अनुप्रस्थ रेतीले टीले भी मौजूद हैं। वास्तव में यह उपप्रदेश सतलज नदी अपवाह तंत्र का भाग है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टावती नदियां प्रवाहित होती थी, जिनका प्रवाह मार्ग कालांतर में हुई भूगर्भिक हलचलों के कारण अवरुद्ध हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में आंतरिक अपवाह प्रणाली पाई जाती है। संपूर्ण प्रदेश का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस प्रदेश में कसपुर, निजामपुर, पदमपुर, अनूपगढ़ आदि अधिकांश क्षेत्रों में वायुड जमाव मिलते हैं। रेतीली मिट्टी के जमाव बड़ोपल, नोहर, भादरा, मुकलसर, भानासर, रावतसर आदि क्षेत्रों में अधिकता से मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए अधिकांशतः सिंचित कृषि की जाती है। सामान्यतः इस प्रदेश में भूजल की औसत गहराई 20 से 25 मीटर है। कुछ क्षेत्रों में सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। धन्यवाद।